एक नए अपडेट में इतने सारे चेंजेस आए हैं और इतने क्रेजी चेंजेस आए हैं, आई एम श्योर अगर आप उन सब चेंजेस को देखोगे तो आप एकदम निकल पड़ोगे उस सब चेंजेस को चेक करने के लिए। सो पहली बात, अगर आपके पास डेंजरस गेम या फिर मून फ्लिप वाला इमोट होगा तो आप समझ चुके होंगे इस इमोट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। चेंजेस के एनिमेशन में आए जो बहुत डेंजरस लग रहा है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेकंड चेंज की तरफ, जिसमें फ्री फायर ने हमारी विश भी सुन ली है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि फ्री फायर ने हमारी विश कैसे सुन ली। सपोज आपके पास कोई कैरेक्टर है तो उसकी बंडल आपको अभी से अलग से खरीदने पड़ते थे, पर आज से आपको अलग से नहीं खरीदने पड़ेंगे। फ्री फायर आपको फ्री में देगा उसके बंडल, आपको आना है और यहाँ पर डिफॉल्ट बंडल आपको दिखाया गया एक ऑप्शन, आप उसे क्लिक करना है और आपके पास बंडल ऑलरेडी आ जाएगा। अगर आप अभी तक इस वाली वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपका इंटरेस्ट इस वाली वीडियो में बन रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही और मजेदार वीडियो बनाने की। तो अब पढ़ते हैं मैं थर्ड चेंज की तरफ, जो है एल शेप हाउस के सामने वाले घर में जो ब्राउन वाला हाउस है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेड है उसे चेंज कर दिया है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप एक ओल्ड प्लेयर तो आप लोग जानते होंगे पहले यहाँ पर एक ब्राउन कलर का सस्ता सा बेड हुआ करता था, अब यहाँ पर एक एक्सपेंसिव सा बेड डाल दिया है ताकि किसी को सोने में दिक्कत ना हो। सो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट में जाके ओपी जरूर से लिख दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो फोर्थ चेंज है वो है अपना लॉबी के अंदर। आप लोग देख सकते हैं जो स्टार्ट करने वाला बटन आता है, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने टाइमर आता है, तो अब आप इस टाइमर को मूव भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं इस टाइमर को मूव कर पा रहा हूँ, तो ऐसे भी आप लोग एक बार जाके ट्राई जरूर करिएगा, आप इस टाइमर को मूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अब इस टाइमर को इस लड़की के मुँह पर रख देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस वाले करेक्टर में मुँह पर रख देता हूँ ये टाइमर को। तो इस चेंज के लिए एक लाइक तो बनता है। जो अपना फिफ्थ चेंज है वो काफ़ी सैड है, क्योंकि हमारे मैप से ग्लू वॉल को रिमूव कर दिया गया है। हमारे पास ग्लू वॉल पूरे मैप में कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे इन्वेंटरी में एक डिवाइस का सेक्शन है, वहाँ पे हमें ग्लू मेकर नाम का एक डिवाइस मिलेगी, उस वो हमें 10 ग्लू वॉल देगा। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हम अपने ग्लू वॉल को अपने फ्रेंड्स को नहीं दे सकते। मैंने बहुत जगह चेक करा, हम अपने ग्लू वॉल को अपने फ्रेंड्स साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जो अपना सिक्स चेंज है वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी बंदों के साथ ऐसा तो कभी ना कभी हुआ ही होगा कि हम अपने फ्रेंड्स को रिवाइव देने जोन में आए पर हमें वेंडिंग मशीन दिख ही नहीं रही, भाई हमें मिली नहीं रही वेंडिंग मशीन कहाँ पर है। इसी चक्कर में हमारा प्लेयर वाइट डाउन हो गया और ख़त्म, बस गेम खत्म और रैंक माइनस। तो इस चीज़ का हल फ्री फायर ने हमें दे दिया है। अब बंदे जब भी वेंडिंग मशीन के आसपास जाएंगे, चाहे वो दीवार के आर पार क्यों ना हो, उन्हें वेंडिंग मशीन का आइकन दिखेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी मैं उस वेंडिंग मशीन के ऊपर हूँ पर मुझे आइकन दिख रहा है। सो अब मैं यहाँ पे आके अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी ले सकता हूँ, उन्हें रिवाइव भी कर सकता हूँ। तो जो अपना सेवेंथ चेंज है वो एक चेंज नहीं, वो भाई वो ग्लिच है जो मेरे फ्रेंड ने फाइंड कराया। आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड आपको करके दिखाएगा इस ग्लिच में है क्या। आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड इस वॉल के हार पार हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल गाइस, इट इज इम्पॉसिबल। अब मैं एक बार मैं ट्राई करके आता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं मेरा दोस्त हार पार हो गया, अब मैं यहाँ से हार पाऊंगा और भाई देख सकते हैं इम्पॉसिबल है। और इसका एक एडवांटेज है कि भाई साहब ये वाला मैप हमारे क्लैश स्क्वाड में, और आप इससे अच्छे से रश कर सकते हो और अपने सामने वाले प्लेयर को एकदम डाउन कर सकते हो और उसे चौंका सकते हो। तो जो अपना एज चेंज है वो अपना एक हाइडिंग प्लेस भी हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं अपने दोस्त के पीछे बैठा हूँ बाइक पे, और जैसे मैं यहाँ से उतरूंगा मैं इस ट्रक के नीचे आ चुका हूँ। गाइस मैजिक, अब जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर बैठूंगा बंदा मुझे अच्छे से नहीं देख पाएगा और मैं यहाँ पर रैंक पुश भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो यार अब हम बढ़ते हैं अपनी नाइन्थ चेंज की तरफ। आप लोगों को पता होगा हमारे फ्री फायर में ग्लिच ना हो तो फ्री फायर नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एक ग्लिच, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ आप देख सकते हैं मैं घर के अंदर चला गया, और ये एक बहुत बढ़िया हाइडिंग प्लेस है बंदे से बचने के लिए। यहाँ पर बैठ के रैंक पुश कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँगा मैं बाहर आ जाऊँगा, और जैसे ही इस वाले एरिया से मैं ऊपर चढ़ूँगा तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। एक बार मैं आपको जाके दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको इस वाले एरिया में आना है और यहाँ से आपको अंदर चले जाना है। तो जो हमारा टेंथ चेंज है वो एक चेंज नहीं, वो एक ग्लिच है, वो है हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप देख सकते हैं जैसे मैं ग्लू वॉल वाले एरिया में आऊँगा, ग्लू वॉल यहाँ पर आके लगाऊंगा और यहाँ पे आके रन करूँगा और अपना गेम मिनिमाइज करके फिर मैक्सिमाइज करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसके नीचे आ गया और यहाँ पे मुझे कोई मार भी नहीं पा रहा है, और बस नीचे जाते जाऊँगा। और यहाँ पे जब आपके यहाँ पे आके रुक जाओगे तो आपको एक ग्लू वॉल लगानी है, उसके बाद आगे से यहाँ से फिर कूदना है, फिर आप नीचे जाते जाओगे, फिर कभी आप ऊपर आओगे, फिर कभी आप राइट में जाओगे, कभी लेफ्ट में जाओगे, आप वापस तभी जा पाओगे जब आप पूरा गेम बैक करोगे। तो यार इस वाली वीडियो में इतना ही, इस वाली वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।